आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। गंगा दशमी पर उमड़ेगा आस्था का सैलाब, प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण। ओंकारेश्वर, गंगा दशमी पर्व पर ओंकारेश्वर में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं के इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का रात्रि को आना प्रारंभ हो गया। नगर परिषद द्वारा घाटों की सफाई कराई गई, मार्गों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से किए जाने हेतु अतिरिक्त पुलिस यातायात व्यवस्था हेतु बल भेजा गया। मुख्य स्थानों पर ड्यूटी लगा दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से संपूर्ण क्षेत्र में निगरानी रखी जाएगी। लगभग 1,00,000 श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा दशमी के अवसर पर नर्मदा नदी से मिलने गंगा जी वर्ष में एक बार आती है, इसलिए नर्मदा और गंगा का मिलन होता है और इसमें स्नान का बड़ा महत्व होता है। देश में लगभग सभी नदियां पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं। उनमें से जो नदियां सीधे समुद्र में जाकर मिलती हैं और नदियों से श्रेष्ठ हैं, उनमें से भी 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई, गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा। गंगा नदी ऋग्वेद स्वरूप यमुना यजुर्वेद स्वरूपा, नर्मदा सामवेद स्वरूपा और सरस्वती अथर्ववेद स्वरूपा है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। जिला मैसर तहसील, हम मल्लेश्वर से आए हैं जी, ओंकारेश्वर, ओंकार महाराज को दर्शन करने के लिए, दशमी के लिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम केशव। हम गंगा दशमी स्नान करने के लिए आए, ओंकार महाराज, मंदेश्वर महाराज, अन्मुक्तेश्वर के दर्शन के वास्ते आए हैं। धार जिला से आप? धार जिला से, गांव धरावरा। कितने बार आए ओंकारेश्वर? करीब करीब 5 बार आ गए। कैसी लगी ओंकारेश्वर की व्यवस्था? रमणीय स्थान है, दर्शनीय योग्य है। और कोई व्यवस्था में प्रशासन को सहयोग देंगे आप कि कुछ सुझाव देंगे? नहीं, कुछ सुझाव नहीं, बहुत अच्छा। आपका क्या परिचय? तुलसीराम जी सुनेर,